निकल खोल रहा है क्या कहना चाहेंगे इस पूजा के बारे में? ये पूजा जो है ये हमारे बेटों के लिए बच्चों के लिए होती है। ये जो हम लोग सुबह मतलब हमारा पूरा दिन हमारा ये फास्ट रहेगा और यहाँ पे जैसे हमारा ये भी छोटा है इसका हमने मतलब वो पूजन की है पूरा जो करवाते बन चढ़ाते हैं वो चढ़ाया अभी हमने। ये बच्चों के लिए होता है हम पूरे दिन इसके फास्ट वगैरह रखते हैं बच्चों के। ये हर साल होता है? हाँ जी हाँ जी हर साल हम मतलब व्रत वगैरह करते हैं कि हमारे बच्चों को ब्लेसिंग्स मिले हमारे बेटों को ब्लेसिंग्स मिले और पूरा दिन हम व्रत रखते हैं। अब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बन वगैरह चढ़ाते हैं तो एवरी ईयर हम क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि जो आगे की जनरेशन आ रही है कि वो लोग थोड़ा कम मान रहे हैं इन चीज़ों को बट हमें ये कल्चर में ये भी हमारा कल्चर है और अब आगे आगे जो आगे की जनरेशन है उनको भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये पूजा हर साल आती है इसको बचतुआ बोलते हैं। ये बच्चों के लिए होती है इसमें लड़कों की सुख शांति के लिए होती है ब्लेसिंग्स मिलती है। आजकल लड़का लड़की दोनों एक समान है पर हमारे कल्चर में आज भी लड़कों को ही आगे रखा जाता है तो पर मैं बोलना चाहूँगी ये व्रत लड़कों के लिए भी उतना ही जितना इक्वल है उतना लड़कियों के लिए भी होना चाहिए तो इसमें बच्चों की सुख शांति के लिए रखते हैं हम ये व्रत और आगे आने वाली जनरेशन को इसको इतना ही महत्व देना चाहिए हमें। तो मतलब जिस तरह से हमारे पुराने निभा रहे हैं हमें भी उसी तरह आगे इस कल्चर को निभाना है और बस होगी।